हापुड़ के थाना धोलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से अवैध असलाह, मैजिंदा और खोखा कारतूस और बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। वहीं गिरफ्तार बदमाश का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी पिलखुवा जितेंद्र शर्मा ने बताया, धोलाना में पुलिस की चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध बाइक पर आते हुए दिखाई दिए तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार होने का प्रवास किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो गोली एक बदमाश के पाव में लगी, उसे दबोच लिया गया, जबकि उसका एक अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस ने कॉम्बिंग करके फरार बदमाश की तलाश शुरू कर दी। वहीं प्रारंभिक पूछताछ में घायल बदमाश ने अपना नाम शाह आलम पुत्र जान मोहम्मद उर्फा आस मोहम्मद निवासी ग्राम आजमपुर दहपा थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ बताया है। कट कर दो। आज गालन पुलिया पर रात्रि में पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो मसूरी की तरफ से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल को जब रोकने के लिए हाथ दिया गया तो उस पर बैठे दो लोगों ने एक ने पुलिस पर फायरिंग की और पीछे की तरफ जब मुड़ा तो मोटरसाइकिल फिसल गई और वो गिर गया। एक व्यक्ति को जवाबी कार्रवाई में दाहिने पैर पर गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति कोहरा और अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मौके से एक TVS बाइक, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक 315 वोल्ट तमंचा मिला है। जो व्यक्ति घायल हुआ है उससे पूछताछ की गई तो उसका नाम शाह आलम पुत्र जान मोहम्मद निवासी आजमपुर दहपा, जो कि धोलाना थाने से गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित भी है और 10,000 का इनामी भी है, और इसके ऊपर 3 दर्जन से ज़्यादा